तो कल परसों कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था बेस्ट लैपटॉप्स क्वेश्चन मार्क कि वीडियो किस पे बनानी है, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर कौन सी कैटेगरी। तो मैक्सिमम लोग थे 40,000 के नीचे वाले, लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर वाले भी थे। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ फॉर्मेट जिससे कि सारी कैटेगरीज कवर हो जाएंगी, सारी प्राइस रेंज कवर हो जाएंगी और एक प्रॉपर लिस्ट बन सकेगी। तो आपको एक लिस्ट देने से पहले मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बताना चाहता हूं। नंबर वन, वी विल नॉट टॉक अबाउट डिजाइन बिल्ड और समथिंग जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डेटा देखने के बाद पता लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का बजट इतना हाई नहीं है, इसलिए हम मेन कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे इंस्टेड डिजाइन और इन सब चीजों पे। क्योंकि एक बार बंदा वेट, मटेरियल, बॉडी इन सब पे फिर भी एडजस्टमेंट्स कर सकता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो बंदा एडजस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मेन हमारा जो प्रायोरिटी रहेगी वो परफॉर्मेंस होगी। सो वीडियो का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, हम हर प्राइस रेंज पे जाएंगे, एक दो लैपटॉप चूज करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये लैपटॉप अच्छा क्यों है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किसके लिए है, कोडर्स के लिए, एडिटर के लिए, ऑफिस जाने वालों के लिए, किसके लिए। और साथ के साथ मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बता दूंगा एक पर्टिकुलर लैपटॉप के, सो दैट कि आप एक डिसीजन अच्छे से ले सको। और एंड पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी लैपटॉप का प्राइस चेक कर सकते हो कि मिनिमम कितने का मिल सकता है और मिनिमम उसका रेट कब होता है, मतलब आप एक ग्राफ देख पाओगे प्रॉपर कि कब प्राइस कितना होता है। और एक आखिरी चीज, बजट रेंज में अवीटा जो ब्रांड है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, मतलब उसके अलावा लैपटॉप कोई और ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। बट स्टिल अगर मैं आपको कोई और कंपनी का लैपटॉप बताऊंगा तो मैं आपको साथ के साथ अवीटा का भी लैपटॉप बता दूंगा, सो दैट कि आप कंपेयर कर सको कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी से, 25,000। अब ये कैटेगरी किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये कोडर्स के लिए है, वो वाले कोडर नहीं जो मशीन लर्निंग में टेंसर फ्लो, शोगुन वगैरह यूज करते हैं, उनके लिए नहीं है, वो मत ले लेना। बाकी जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, एक्सेल, वर्ड, इन सब में काम करते हैं, उनके लिए भी ये कैटेगरी अच्छी है। 25,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप जो आपको बेस्ट वैल्यू देता है वो है अविटा की तरफ से NS14A6 समथिंग समथिंग। अब इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो एक 25,000 के लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा सही है। AMD Ryzen 3 3200U जो कि इस रेंज के हिसाब से काफी सही प्रोसेसर है। 4GB की रैम, 256GB की SSD लगी है इसमें, लेकिन कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, सिर्फ 256GB की SSD है। आपको अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी पड़े तो फिर लेनी ही पड़ेगी अगर आपको स्पेस चाहिए तो। एक फुल HD डिस्प्ले जो कि इस प्राइस रेंज पे मिलना नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है। विंडोज 10 होम और वेगा 3 के ग्राफिक्स। लेकिन अब अगर इतना कुछ मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं है सब कुछ अच्छा होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस लैपटॉप की बॉडी बहुत डेलिकेट होगी। मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर इसको गिराओगे और ये टूटेगा नहीं, मतलब गिराओगे इन द सेंस अगर ये गिर गया somehow तो ये टूटेगा नहीं, डेफिनेटली इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होगी। नेक्स्ट, क्योंकि राइजन है और काफी सस्ते में आ रहा है और मैंने इसके रिव्यूज वगैरह भी पढ़े थे, इसमें हीटिंग इश्यूज बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है बट डिसेंट, मतलब थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज तो मिलेंगे, बट इस प्राइस रेंज पे ये लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देगा आपको। हीटिंग भी आप कहीं ना कहीं तक एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब AC वाले रूम में बैठे हो तो आपको ज्यादा पता नहीं लगेगा, इसलिए लिया जा सकता है। अभी इसका प्राइस 24,990 है, लेकिन 18 जनवरी को इसका प्राइस था 21,990। अब मतलब आपकी किस्मत ही है अगर आपको उस प्राइस पे मिल जाए तो, क्योंकि राइजन 3 3200U उस प्राइस पे मिलता नहीं है जनरली लैपटॉप्स के अंदर। लेकिन मुझे कैसे पता 18 तारीख को इसका प्राइस इतना था, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सो ये लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, मूवी वगैरह तो देख ही सकते हो, बस क्रोम में ज्यादा टैब्स मत खोलना क्योंकि 4GB रैम है, अगर आपने रैम एक्सपेंड करी है तो बात अलग है। और क्रोम यूज ही मत करना क्योंकि फायरफॉक्स यूज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो रैम चूसता नहीं है क्रोम की तरह। नेक्स्ट है 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में। इस रेंज में भी काफी कम लैपटॉप्स हैं जो एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक है HP की तरफ से, और जो स्पेक्स ही ऑफर कर रहा है वो एक्चुअली HP वाले जैसे हैं नहीं, मतलब कि HP इतने सस्ते में इतनी चीजें देता नहीं है, पता नहीं है कैसे मिल गया। AMD Ryzen 5 3500U, 4GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव, टॉस मिलेगा इसमें आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और वेगा 8K ग्राफिक्स। अब बात यह है, वैसे तो ये मिल रहा है 33,990 का, लेकिन बहुत बार इसका प्राइस 29,990 भी होता है। अब इसमें खास क्या है, Ryzen 5 3500U एक बेहतरीन कमाल का प्रोसेसर है और उसके साथ वेगा 8K ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब बात यह है कि इस रेंज पे सभी ब्रांड्स आपको इंटेल के जो वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं वो देते हैं, उसके मुकाबले में वेगा 8 बेटर है। कॉन्स ये है कि इसमें SSD नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से डलवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें DOS है और वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, मतलब होता है पर नहीं होता,
तो आपको विंडोज अलग से डलवानी पड़ेगी और वो ऑब्वियसली डुप्लीकेट होगी, लेकिन यार इतने सस्ते में आपको बहुत कुछ मिल रहा है इसलिए विंडोज की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती, डुप्लीकेट ही चला रहा हूं मैं अभी बचपन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चलता है सब कुछ। अब मैंने आपसे जो कहा था कि अवीटा बहुत ही शानदार काम कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस लैपटॉप का अवीटा अल्टरनेटिव देखते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम लैपटॉप है जैसा कि एचपी वाला है, लेकिन उसमें आपको एक 512 GB की SSD मिलती है, 8 GB की रैम मिलती है और जेन्युइन विंडोज भी मिलेगी एस मोड के अंदर, और उसका प्राइस भी 30,000 है। हाँ, ये सारा कुछ आपको 30,000 में मिलेगा, मतलब R5 3500U वो सब और SSD और ये सारा कुछ आपको 30,000 में मिलेगा। अगर आपको अवीटा से प्रॉब्लम नहीं है तो इसी को चूज करना, क्योंकि सच में बहुत कमाल की वैल्यू है। इस लैपटॉप को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो लिनोवो का लैपटॉप है ना उसमें R5 2500U है और Vega 8 के ग्राफिक्स है, और वो ये जितना भी काम आप देखते हो, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, सब कुछ संभाल लेता है वो। उसमें सिर्फ अपग्रेड इतना करा हुआ है मैंने, सिर्फ एक SSD डाली थी उसमें क्योंकि उसमें थी नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा अच्छे चलते हैं, लेकिन इतने चल जाते हैं कि मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। और मेरा काम आपने देखा हुआ है, मेरे थंबनेल्स आपने देखे हैं, मेरी वीडियोस आपने देखी हैं, उनमें एडिटिंग आपने देखी है, वो सारी उसी से होती है। R5 2500U इसमें है 3500U और ये बेटर प्रोसेसर है, तो आप अगर बेसिक एडिटिंग जितनी मैं करता हूं, जितनी आप देखते हो मेरी वीडियोस में, मेरे थंबनेल्स में, वो सारी आप कर पाओगे। इसलिए ये HP वाले से बेटर लैपटॉप है, बट अगर फिर वही बात है, अगर आपको HP लेना है, अवीटा पे आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा 32 या 33 जितने का भी था वो। देखो वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लैपटॉप्स के मामले में ब्रांड ना देखा जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो चीज आपको अच्छी वैल्यू दे रही है आप उस ब्रांड का लैपटॉप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है अवीटा से, तो C4E Tech ने वीडियोज बनाई हुई है, गीकी रंजीत सर ने वीडियोज बनाई हुई है। अब ये वो रिव्यूअर्स हैं जिन पे सब लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आप इनकी वीडियोज देख सकते हो, उनके रिव्यूज देख सकते हो अवीटा के लिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप भी अवीटा का ही है, ये अवीटा वाले मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं। 36240 के अंदर आपको i5 10th generation और इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहे हैं, लेकिन 38240 के अंदर, मतलब 2000 रुपए अगर आप ज्यादा देते हो, आपको R5 3500U जो कि आपने अभी 30,000 वाला प्रोसेसर देखा था वो, उसके साथ आपको Vega 8 के ग्राफिक्स मिल रहे हैं। ये सब बिल्कुल वही है जो आपको 30,000 में मिल रहा है, बस सीरीज का नाम लिब्रा है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मुझे सच में कोई डिफरेंस ही नहीं मिला इस 30,000 के लैपटॉप में और इस 38,000 के लैपटॉप में, शायद बॉडी का डिफरेंस हो, सीरीज का नाम अलग अलग है, लिटरली मुझे और कोई डिफरेंस मिला ही नहीं। देखो अगर आपको इंटेल चाहिए तो आप i5 10th generation वाला ले सकते हो, बट अगर आपको AMD चाहिए मेरी तरह, तो आप R5 3500U वाला ही लेना। अब आगे चलते हैं 40 से 50,000 के लैपटॉप्स पे। अब बजट वाली रेंज खत्म हो चुकी है, अब हम नॉर्मल वाली रेंज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे लैपटॉप्स रिकमेंड करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होता है, लेकिन नीचे तो सारा मार्केट ही अवीटा लेके बैठा है, मैं और कोई लैपटॉप चूज ही नहीं कर सकता। अब जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये मान के कि आपको अवीटा नहीं पसंद, वरना वही अवीटा ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो चीज वो लोग 38 पे दे रहे हैं बाकी कंपनीज वही सेम चीज 45 पे दे रही है। तो अगर आपको कोई और लैपटॉप लेना है तो आप MI नोटबुक ले सकते हो जो कि 45,000 की आती है, बस उसमें इतना है कि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, बाकी i5 10th जनरेशन और 512 GB की SSD, लाइटवेट और रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ये देख सकते हो, ये काफी सही है। अगर आपको अवीटा नहीं लेना और आपको 4-5 हज़ार रुपए ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो, मी नोटबुक बहुत सही है। और अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए इसके साथ, क्योंकि अगर आप एडिटिंग वाली साइड में थोड़े ज्यादा हो, आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से डेफिनेटली काम नहीं चलता अगर आप एडिटिंग वाले में हो, तो इसी का एक बड़ा वर्जन आता है 47-48,000 के आसपास, जिसमें MX 250 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ जो कि डिसेंट है, मतलब आपकी नॉर्मल एडिटिंग संभाल सकता है, वो काफी अच्छी एडिटिंग संभाल सकता है, वो बहुत हैवी तो नहीं संभाल पाएगा बट कर लेगा। वैसे तो ये लैपटॉप सभी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज कवर हो जाएंगी इसके अंदर, लेकिन जो एडिटर्स हैं, जो कि प्रोफेशनल एडिटर्स हैं आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स वाले, वो लोग मत लेना क्योंकि उनको तगड़े ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल जो एडिटिंग करते हैं, जो कि मेरे जैसे एडिटिंग करते हैं, उनके लिए मोर देन इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल यूजेज है, आपको ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, तो आप 45 वाला ले सकते हो, और अगर आपको एडिटिंग थोड़ी बहुत गेमिंग वाली साइड में आप हो, तो आप वो ग्राफिक्स वाला ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप अपना बजट पुश कर सको 50-60 तक, तो आपको 52 का मिलता है HP Pavilion का गेमिंग लैपटॉप। तो MI वाले की जगह 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा देने पे आपको क्या मिलेगा? एक 4 GB का GTX 1650 का GPU, R5 3550H वाला प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, सेम वही कहानी
नामी SSD अलग से लगानी पड़ेगी और इसका प्राइस जनरली 55,000 होता है, लेकिन ये अभी इतने कम रेट पे मिल रहा है तो आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छी डील है। और अब हम क्योंकि गेमिंग वाली कैटेगरी में आ चुके हैं तो मैक्सिमम लोग इस एरिया में कवर हो जाएंगे, इसमें एडिटर्स भी आ जाते हैं, इसमें गेमर तो आ ही रहे हैं और नीचे वाले तो सारे आ ही जाते हैं। बट समहाउ अगर आपको AMD से प्रॉब्लम है, आपको इंटेल में चाहिए, तो MSI GF63 i5 9th जनरेशन 8GB रैम 512GB की SSD हार्ड डिस्क नहीं है इसके अंदर, विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड, 4GB के ग्राफिक्स, NVIDIA GTX 1650। काफी अच्छा लैपटॉप है ये भी, इसका प्राइस 54,240 हो रखा है जो कि इसका आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है। तो अगर आपको ये डील मिले तो लपेट लो, बहुत ज्यादा सही है। अब आते हैं फाइनल 80 के आसपास, क्योंकि मुझे 60-70 के बीच में बहुत अच्छे लैपटॉप्स नहीं मिले, वो सेम चीजें रिपीट हो रही थी इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये जो लैपटॉप है वो है लिनोवो आइडियापैड का गेमिंग सीरीज का लैपटॉप। इसमें है R7 4800H वाला प्रोसेसर, 8GB की रैम, 1TB की हार्ड ड्राइव, 256GB की SSD और 4GB GTX 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड जो कि काफी सारे गेम्स हैंडल कर सकता है। ये हैंडल कर लेगा गेम्स आराम से, कोडिंग बहुत आराम से, एडिटिंग डन। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपके सारे काम हो जाएंगे, बट स्टिल अगर इससे आगे कोई जाना चाहता है तो वो मैकबुक की तरफ जाओ अगर वो प्रोफेशनल है तो, और अगर वो गेमर वाली साइड में है कि अगर वो गेमर है तो फिर वो मेरे को इंस्टा DM पे आके पूछ लो, क्योंकि ऐसे तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। नाउ वो ट्रिक जिससे आप ये देख सकते हो कि कौन से लैपटॉप का प्राइस कितना था, बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, मतलब वो एक क्रोम एक्सटेंशन है बाय हटके करके, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, बस क्रोम एक्सटेंशन है बाय हटके करके आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे कोई प्रोडक्ट चेक करोगे साइड में आपको दिखेगा प्राइस ग्राफ, आप उसका ग्राफ देख पाओगे कब उसका प्राइस सबसे कम हुआ था, वो आपको दिखा देगा लोएस्ट प्राइस कितना था, एवरेज प्राइस कितना रहता है, प्रॉपर आपको ग्राफ दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा वेरिएशन कितनी आती है, कितने टाइम में आती है। तो इससे आपको पता रहेगा अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आपको सबसे सस्ती वो कितने में मिल सकती है। सो अब इतनी सारी रिसर्च, इतने सारे डेटा को बताने के बाद अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कमेंट्स में पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, ट्विटर पे पूछ लो, जहां मर्जी पूछ लो। हाँ मेरे को पता है मैं कमेंट्स के ज्यादा जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि देखो यार मैं डेवलपमेंट साइड में भी हूँ, मेरे पास सिर्फ चैनल नहीं है, बहुत काम होते हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं देख पाता, वीडियोस भी बहुत मुश्किल से बनती है, आपको पता है मेरा शेड्यूल उल्टा सीधा रहता है। सो चलो जो भी है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम Devanshu एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय।